प्रियांक शर्मा मुझे खुद टिप्स दे रहे हैं बिग बॉस में सर्वाइवल की। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, रियलिटी शो क्वीन दिव्या अग्रवाल, व्हाट्स अप ब्रप, ऐसे करो ब्रप। अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था यार, ब्रप। अरे हम सब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, तभी तो हम हैं यहाँ पे, वी आर ऑल रूल ब्रेकर्स, राइट दिव्या, तुम मैं, क्या बात है। सुनो यार, अभी तो तुम बिग बॉस ओटीटी पे जा रही हो, पर मुझे ये बताओ, अब तो तुम रियलिटी शो की क्वीन हो, सबकी बैंड बजाओगी कि नहीं, सबका हाला टाइट करोगी कि नहीं, उनके तोते उड़ाओगी कि नहीं, उनको रुलाओगी कि नहीं? जो भी होगा जरूर होगा, पर बेमतलब नहीं होगा, दिस इज वन थिंग फॉर श्योर। They are gonna get me on my nerves, I'm 100% sure. मेरी कुछ आदतें हैं जो इस रियलिटी शो में आप लोगों को दिखेगी, जैसे मैं घर पे रहती हूँ, मुझे साफ सफाई का बहुत शौक है, मुझे सब कुछ एकदम सही चाहिए, मैं कैप्टन हूँ या ना हूँ सब कुछ सही होना चाहिए, मुझे सुबह की चाय अच्छी चाहिए, कोई मुझे बना के दे या नहीं दे मैं खुद ही बना लूंगी, पर गंदी चाय मैं नहीं पीऊंगी, और ऐसे बहुत सारे आदतें हैं कानन, तुम एक बार देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। पर ये बताओ, जब मेरा दोस्त, मेरा जिगर का टुकड़ा वरुण सूद को पता चला तुम जा रही हो, क्या वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो बोला बेबी मुझे छोड़ के मत जाओ, क्या था? वो तो बेचारा यार, he is, you know how emotional he is and you know how innocent he is, so he is like, हाँ तुम तो कर लोगी, तुम्हारा तो अच्छा हो जाएगा बिग बॉस में, पर मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी, and then he just started being so emotional and his eyes were so teary, but I told him that you know it's a teamwork, उसने बहुत मेहनत की है खतरों में, and now it's my time for the house to do it, and मैं अपना contribution जरूर दूंगी, and उसे बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है, ये तो मियां बीवी वाली बातें होंगे यार। पिछली बार जब तुम बिग बॉस के घर में गई थी, तुमने प्रियांक शर्मा को बहुत बैश कर दिया था, हाँ वो रिग्रेट करती हो कि नहीं जेन्युइनली? नहीं, मैं अपने लाइफ में कुछ भी हो मैं रिग्रेट नहीं करती, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम, एंड अगर आज भी अगर कोई लड़का मेरे साथ है, जैसे वरुण भी मेरे साथ है, अगर कल को कुछ गलत होता है तो मैं उस पर भी आवाज उठाऊंगी, मैं तो किसी को नहीं छोड़ती भाई जिंदगी में, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, एंड उस बात से काफी लोग मेरे अग्री करते हैं क्योंकि वो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, एंड सिर्फ तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि प्रियांक शर्मा मुझे खुद टिप्स दे रहे हैं बिग बॉस में सर्वाइवल की, तो अभी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ सॉर्टेड है, मैं, वरुण, प्रियांक, हम सब आपस में बात करते हैं, हम सब अपने काम की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, एंड बच्चे थे यार, हो गया वो सब सीन, हो गया अब मैच्योर होने का टाइम आ गया है, द शो में मेरा जाने का मकसद ही यही है कानन कि मैं इस बार, मेरे पास कोई लव एंगल नहीं होगा, दोनों मेरे शोज में एक लव एंगल था जो बन गया था, एंड इस बार वो नहीं होगा, वी फॉलो ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, बिकॉज हमने, मैंने और प्रियांक ने पहले ये गलती की है, अपने सारे चिट्ठे बाहर खोले हैं, एंड मजाक बना है, कितना कुछ हुआ है, दिस टाइम वी वांट टू टेक इट मैच्योरली एंड टेक इट स्लो, एंड ऐसा कुछ इतना एक्साइटिंग है भी नहीं हमारे बीच में कि मैं पूरी दुनिया को बताऊं, हाँ अगर वो कभी घर में आया इस साल तो आप लोगों को एक नया पहलू देखने मिलेगा, हम दोनों की बॉन्डिंग एक अच्छी देखने मिलेगी, जो हम एक दोस्त की तरह जब हमने शुरुआत की थी हम दोस्त थे, तो वो दोस्ती शायद वापस दिखे। मुझे बताइए, हीना, शेनाज गिल, रुबीना, दलायक, जैस्मिन, सिद्धार्थ शुक्ला, योर फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट, जिनको देखकर आप बोलती हैं कि यार इनकी तरह मुझे बनना है, इनसे मैं सीखूं? आई थिंक रश्मि देसाई एंड सिद्धार्थ शुक्ला, बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला काफी ज्यादा रॉ और अनफिल्टर्ड थे और मैं भी वैसी ही हूँ बिल्कुल, तो आई कुड रिलेट, एंड रश्मि देसाई को मैं पर्सनली जानती हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बड़ी बहन की तरह मेरा काफी साथ देती है वो, हाँ हमारा साथ सोशल मीडिया पे नहीं दिखता है बिकॉज हर चीज सोशल मीडिया के लिए नहीं होती है, पर उसने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, मुझे काफी गाइड करती है वो, एंड मुझे उसकी गेम पसंद आई थी बिकॉज मुझे पता है वो जो भी कर रही थी वो वैसी ही है और वो रियल है, तो मुझे वो पसंद आई थी काफी। व्हाट इज दैट चैलेंज of going to Big Boss? Is it the fact that आप अपने आप के साथ experiment करना चाहती हैं, या फिर आप बोलना चाहती हैं कि यार कांटे की टक्कर है, जैसे आपने मुझसे कहा कि यार you know there's no love angle, मकसद क्या है? Besides showing yourself, life में मैंने बहुत सारी hardships देखी हैं, especially after my dad left me, left this world, and I think I'm very headstrong and mentally very much prepared to take a show like this because I have always been a reality face and I
I can't stop myself from being a part of such a big reality show where my fans जो चाहते हैं कि मैं इस शो में पार्टिसिपेट करूं और मैं सच में दिखाना चाहती हूं बिकॉज कहीं ना कहीं मैं जानती हूं कि मेरी काफी सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं जैसे करण जौहर इस बार होस्ट कर रहा है द लाइफ ऑफ सर्कल हैज जस्ट कम टुगेदर 10 साल पहले जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब मैं एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट थी करण जौहर की फिल्म में कॉल्ड स्टूडेंट ऑफ द ईयर दैट वाज 2011 एंड आई कांट वेट कि जब मैं उसके सामने आऊंगी और मैं उसे ये इंसिडेंट बोलूंगी कि भाई मैंने तो सामने सामने देखा है तुम्हें पिक्चर बनाते हुए स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड सामने सामने आलिया सिद्धार्थ एंड वरुण धवन को अच्छा करते हुए देखा है तो आई कांट यू नो लाइक दिस इज व्हाट आई हैव बीन ऑलवेज वेटिंग फॉर मेरा स्ट्रगल बहुत लंबा रहा है पर बहुत ही सुंदर रहा है एंड आई जस्ट वांट टू इंस्पायर पीपल दैट यू नो यू कांट स्टॉप इन लाइफ एवरीथिंग व्हाटएवर हैपेंस इन योर लाइफ जस्ट गोज ऑन एंड ऐसा भी नहीं है कि बिग बॉस में आ रही हूँ तो इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मेरे करियर को एक अलग पुश चाहिए या मुझे ये मेरा एक बैकअप प्लान था नहीं ये एक ऐसा बैकअप प्लान बिल्कुल नहीं था हाँ मैंने ये कहा था कि शायद सेकंड इनिंग्स के लिए मैं आऊंगी बट इट वाज नेवर अ बैकअप प्लान इट वाज ऑलवेज लाइक कि हाँ मेरी पर्सनालिटी शायद चेंज हो जाएगी इन द कमिंग इयर्स एंड देन आई विल कम बट दिस टाइम विद सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कीप माई सेल्फ ऑन दैट प्लेटफॉर्म यू नो तुमने बोला है कि यू हैड योर स्ट्रगल्स एंड इट्स ब्रिलियंट बिकॉज जो Young log hai, they get inspired by young ladies like you. So girl power, all right? Aise kar le, aaja, aaja, meri jaan. Aaja, okay, girl power. Ek incident bachao in terms of your struggle where you said, wow, I went beyond myself and I made it happen against all odds. Wo kya tha? Consistency. No matter how much I failed, no matter logon ne kya kya bola, there were people who said ke nahin ho paega. कटरीना कैफ की बॉडी डबल थी जब सेट पे तब भी ऐसा लगता था कि यार कटरीना की बॉडी डबल जरूर हूँ पर अगर लाइफ में कभी ऐसा कुछ होगा तो मैं किसी को बॉडी डबल नहीं रखूंगी बड़ा अजीब सा फीलिंग आती थी मुझे पता नहीं उस वक्त क्या सोचती थी और एक अंदर एक उम्मीद थी कि नहीं मैं कुछ बड़ा जरूर करूंगी दुनिया एक दिन जरूर जानेगी पर आसपास लोगों को वो यकीन दिलाना काफी ज्यादा मुश्किल था एंड इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फॉर मी to make the people around me believe in me. I always used to believe in myself. So that one thing that has always helped me is believing in myself. Mujhe ye batao, tumhare andar ek bahut solid confidence and I like that. I like people like you who've got that confidence, eye for an eye. That's what I look in as well. And where did that confidence come from? Kya bachpan se itni confident thi ya situations ne tumhe itna confident banaya? My dad has made me super confident, Kannan. मेरे dad एक criminal lawyer थे and जब वो court में enter होते थे हम उनके arguments सुनने जाते थे मुझे पता है पूरे court में एक हलचल मची होती थी आज अग्रवाल जी का argument है आज अग्रवाल जी का argument है and जब मैं देखती थी कि मेरे dad बिना cameras के इतने बड़े star हैं court में और वो जज हो पुलिस वाला हो कोई भी हो उनके सामने उनकी आवाज इतनी ज्यादा बुलंद रहती थी तो बचपन से मैंने वो देखा है मेरे पापा में और हमेशा से मैंने वो सीखा है कि भाई अगर मेरे को बात करनी है ना तो इनकी तरह अगर मैं कोई भी बचपन में उठपटांग चीज बोल देती थी ना मेरे मुंह से कोई नॉट सो सेंसिबल बात निकल जाती थी मैंने इतनी गालियां खाई है ना उसके चक्कर में ये कोई बात होती है ये कोई कम्युनिकेशन होती है कम्युनिकेशन ढंग से किया करो सो ही हैज टॉट मी टू बी दिस कॉन्फिडेंट इन लाइफ एंड ऑब्वियसली मेरा जो काम है जितने लोगों को मैं मिलती हूँ वो उससे भी डेवलप हुआ है पर मेन तो भाई पापा ने दिलवाया है सब तो एनीवेज जाने का वक्त पर ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पिताजी फ्रॉम द हेवंस अबव इज स्माइलिंग एट यू ही इज ब्लेसिंग यू ही इज डैम प्राउड ऑफ यू आई नो एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कनन एक फादर के लिए उनकी बेटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड फॉर माय डैड आई वाज हिज वर्ल्ड एंड आई होप आई एम मेकिंग हिम प्राउड एवरी डे क्या बात है और याद रखना फॉर ऑल यू नो ही माइट बी जस्ट नेक्स्ट टू यू राइट नाउ गिविंग यू अ बिग हग मैं भी तुम्हें हग दे रहा हूं बॉस तू बॉस लेडी है यार तू ऐसी रहे तू अंगार मचाते रहे कोई माइका लाल तुझे छोड़ नहीं सकता और जो फायर तेरे अंदर है वो हमेशा रहे और ये मैं दिल से कहता हूँ थैंक यू सो मच कानन थैंक यू सो मच एंड बिग बॉस से आने के बाद वापस एक तड़ाकेदार इंटरव्यू तुम्हारे साथ पर्सनली थैंक यू सो मच कानन थैंक यू सो मच लॉट्स ऑफ लव